हेलो फ्रेंड्स आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तराखंड करेंट अफेयर जून जुलाई 2023 को और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा उसके बाद जुलाई महीने में जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन और इससे पहले भी मैंने करंट अफेयर के बहुत सारे वीडियोस डाले हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कॉमेंट जरूर कीजिएगा ठीक है तो चलिए पहला क्वेश्चन है पौड़ी जिले में स्थित लेंसीडाउन सैन्य छावनी बोर्ड में ने लेंसडाउन नगर का नाम बदलकर क्या नया नाम रखने का प्रस्ताव रखा है ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जसवंतगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मैं बता दूं जो लेंसीडाउन नाम है इस समय इस नगर का इसका नाम जो पुराना नाम था क्या था कालों डांडा था लेकिन जो वाइसराय रहे लॉर्ड लेंसीडाउन भारत के उनके नाम पे इसका नाम लेंसीडाउन कर दिया गया अब जो लेंसीडाउन सैन्य छावनी है उन्होंने कहा कि जब उन्नीस में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था तो इस युद्ध के जो नायक थे शहीद जसवंत सिंह इनके नाम पर इस नगर का नाम रखा जाना चाहिए और इसका नाम क्या होना चाहिए जसवंतगढ़ होना चाहिए ठीक है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कप पावर लिफ्टिंग महिला चैंपियनशिप दो में उत्तराखंड की संगीता राणा ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन स्वर्ण पदक जीते हैं ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ये महिला लिफ्टिंग महिला चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ था ये हुआ था रूस में ठीक है रूस में हुआ रूस के पीटर्सबर्ग में हुआ और इन्होंने जो ये स्वर्ण जीता है किसमें सिक्सटी नाइन के में ठीक है वर्ग में लिफ्टिंग में इन्होंने जीता है गोल्ड तो इसे ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट और अगर इनका जनपद पूछा जाता है संगीता राणा का तो वो क्या हो जाएगा हरिद्वार हो जाएगा ठीक है चलिए तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड के किस ब्लॉक में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन की स्थापना की गई है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा धार इसका राइट आंसर हो जाएगा और धार जो ब्लॉक है वो कहां पड़ता है टिहरी गढ़वाल में पड़ता है ठीक है इसे ध्यान रखिएगा टिहरी गढ़वाल में एक गांव है जाखड़ी खाल ब्लॉक में मेदर यहाँ पे ये स्टार्ट किया गया है और जो श्रीनगर गढ़वाल में एक संस्था है डालियों का दगड़िया इसने इसको प्रारंभ किया इसके सहयोग से प्रारंभ हुआ है और ये क्या हेल्प करेगा किसानों को सटीक जानकारी देगा मौसम की कि मौसम कैसा रहेगा उस हिसाब से किसान क्या है उनको हेल्प मिलेगी खेती करने में ठीक है चलिए चौथा क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड की दो सगी बहनों को फ्लोरेंस नाइट पुरस्कार 2022 और 23 के लिए सम्मानित किया गया इनका नाम है तो पहला ऑप्शन है मेजर जनरल स्मिता देवरानी दूसरा है ब्रिगेडियर अमिता देवरानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को लगातार मतलब क्रम क्रमशा स्मिता देवरानी को 2022 के लिए और अमिता देवरानी को 2023 के लिए फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ठीक है ध्यान रखिएगा अगर इनका मूल निवास पूछा जाएगा तो पौड़ी गढ़वाल के द्वारिकाल ब्लॉक में जो डंडेक गांव है यहाँ की है ये ठीक है और आर्मी इस बार जो डिसाइड किया गया था कि ये जो पुरस्कार है नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है तो आर्मी नर्सिंग के क्षेत्र में इस बार दिया गया है मिलिट्री में ये ठीक है तो इनकी जो सेवाएं रही हैं उत्कृष्ट सेवा नर्सिंग में इसके लिए इन्हें दिया गया है ठीक है चलिए पाँचवा क्वेश्चन है खंड खंड से अखंड उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन किया गया मुख्यमंत्री सीएम धामी द्वारा या किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज इसका राइट आंसर हो जाएगा इस समय ये सिख्स सिग्मा के सीईओ हैं और इन्होंने केदारनाथ में जो आपदा आई थी 2013 में उस पर ये बुक लिखी गई है और 10 साल पूरे हुए 2023 में तो उस समय इसको लॉन्च किया गया ठीक है इसका विमोचन किया गया और इसमें उस त्रास्ती के बारे में पूरी जानकारी दी गई है ठीक है चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर जे एम एस राणा राणा यानी जगमोहन सिंह इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए सातवां क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड में एरोमा पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है तो राइट right आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर हो जाएगा और पर्टिकुलर स्थान पूछा जाएगा तो उधम सिंह के काशीपुर में इसकी स्थापना की गई है और भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड जिसने एरोमेटिक सेक्टर के विकास के लिए काम किया है ठीक है नेक्स्ट है समर्थ पोर्टल इसके बारे में मैं दो बार बता चुकी हूँ डिटेल से समर्थ पोर्टल शुरू करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा उत्तराखंड इस समय पहले स्थान पे है और समर्थ पोर्टल का काम क्या है कि जो हायर एजुकेशन है इंस्टीट्यूट है उनमें आसानी से प्रवेश किस माध्यम से लिया जाए तो इसके लिए ये समर्थ पोर्टल है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस तहसील का नाम बदलकर कैंची धाम कर दिया है ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा जो उत्तराखंड में तहसील है कोशिया कुटोली इसका नाम कर दिया गया है कैंची धाम तो ये जो तहसील है ये कौन से जनपद में है नैनीताल जनपद में है और नैनीताल जनपद में वर्तमान में नौ तहसीलें हैं ठीक है उसमें से जो कौशिया कुटोली तहसील है उसका नाम कर दिया गया है कैंची धाम और आप जानते हैं नैनीताल में कैंची धाम है जो हनुमान जी का मंदिर और आश्रम है इस मंदिर की जो स्थापना की थी एक महान संत श्री नीम करोली बाबा जी द्वारा की गई थी तो इसीलिए इस तहसील का नाम अब क्या कर दिया गया है कैंची धाम कर दिया गया है ठीक है तो इसे ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है ये ध्यान रखेंगे आप दसवां क्वेश्चन है उत्तराखंड में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा टिहरी गढ़वाल हो जाएगा और टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में हो जाएगा ठीक है और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो प्राचीन समय से अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड क्या रहा है उत्तराखंड का अपनी एक गरिमा रही है एक वैभव रहा है तो उत्तराखंड की संस्कृति का किस प्रकार से संरक्षण किया जाए उस संस्कृति का प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया जाए इसके लिए वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की के स्थापना टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में की गई है ठीक है चलिए ग्यारवा क्वेश्चन है उत्तराखंड पुलिस को देश में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है उत्तराखंड पुलिस को ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जून 2023 को उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा लीलावती राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए तेरवा क्वेश्चन है पहली उत्तराखंड स्टेट फिंग स्विमिंग चैंपियनशिप चैंपियनशिप 2023 ठीक है तो पहली बार आयोजित की गई उत्तराखंड में का आयोजन कहाँ किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी नैनीताल में इसका आयोजन किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में मशहूर फोटोग्राफर व एस्ट्रो विशेषज्ञों द्वारा कहाँ पर एक एस्ट्रो वीक सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लोहाघाट इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में काशीपुर आईआईएम ने कौन सी रैंक हासिल की है तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा उन्नीसवीं रैंक मिली है काशीपुर आईआईएम को मिली है ठीक है इसके अलावा अगर बात करेंगे इसी रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान आईआईटी मद्रास को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ जो मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो एम्स दिल्ली को दिया गया है ठीक है तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उनतीस जुलाई दो हजार तेईस ठीक है उनतीस जुलाई को क्या मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस ठीक है तो उनतीस जुलाई 2023 उत्तराखंड के रामनगर में आयोजित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस की मेजबानी किस टाइगर रिजर्व को दी गई है डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कार्विट नेशनल पार्क को दी गई है ठीक है चलिए सत्रवां क्वेश्चन है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2023 द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर वनाग्नि के मामले में उत्तराखंड हिमालयी राज्य में कौन से स्थान पर रहा है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा प्रथम स्थान पर रहा है जो वनों में आग लगती है इसके हिसाब से ठीक है 2023 में जो रैंकिंग में है उत्तराखंड पहले स्थान पे है इसके अलावा बात करेंगे 2022 का अगर पूछा जाता है तो उत्तराखंड तब कौन से नंबर पर था सातवें नंबर पर चलिए उन्नीसवा क्वेश्चन है उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अमृता पांडेस का राइट आंसर हो जाएगा इनकी रचना सशक्ति सांकले के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसवा इंपॉर्टेंट समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको ये दिया है पहले भी मैंने आपको बताया है ये ठीक है पिछले करंट अफेयर की जो वीडियो है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा आर्टिकल फोर्टी फोर में संविधान के अनुच्छेद चवालीस में इसका उल्लेख किया गया है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जल्द ही उत्तराखंड क्या है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला है और संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं इसके अंतर्गत ये आर्टिकल आता है ठीक है जो उत्तराखंड में यू के ड्राफ्ट के लिए ए, के लिए एक जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष कौन है पूर्व जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई हैं ये मैंने आपको पहले बताया है ठीक है तो इसके अध्यक्ष देख लीजिएगा किस आर्टिकल में आता है किस भाग में आता है और किसके अंतर्गत आता है ये सारी चीज़ें ये इम्पोर्टेंट हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हिमालय हिमालय संग्रहालय का लोकार्पण किया गया यह किस जनपद में है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये हो गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड जो आपके सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो जुलाई महीने में मनाए जाते हैं प्रमुख दिवस उनके बारे में ठीक है तो अभी मैंने यहाँ पे केवल फोर डेज लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम देख लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एक जुलाई की तो एक जुलाई को तीन प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं पहला डॉक्टर दिवस मनाया जाता है इसको मनाना स्टार्ट किया गया 1991 से और देश में सॉरी जो विश्व में सभी चिकित्सक होते हैं और स्वास्थ्यकर्मी होते हैं मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उन सबको समर्पित होता है डॉक्टर डे ठीक है कब मनाया जाता है एक जुलाई को इसके अलावा एक जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है और 1997 से मनाना स्टार्ट किया गया इसके अलावा इंपॉर्टेंट है एक जुलाई को जीएसटी दिवस गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे मनाया जाता है पूरे भारत में एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था जीएसटी और इसके अगले वर्ष पहला जो जीएसटी दिवस मनाया गया था 2018 में मनाया गया था ठीक है तो एक जुलाई इंपॉर्टेंट है तीन दिवस है डॉक्टर दिवस राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और जीएसटी दिवस हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम बात कर लेते हैं चार जुलाई की ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है चार जुलाई को मनाया जाता है अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का आ, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था क्योंकि जो चार जुलाई सत्रह छिहत्तर को अमेरिका जो ब्रिटिश साम्राज्य से साम्राज्य था इससे मुक्त हुआ था ठीक है तो इसलिए कई बार यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा चार जुलाई को ठीक है सत्रह छिहत्तर में आजाद हुआ था अमेरिका नेक्स्ट है ग्यारह जुलाई और बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है ग्यारह जुलाई को और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो विश्व में बढ़ती हुई वैश्विक जो जनसंख्या है उस उससे जो उत्पन्न समस्याएं हैं उनके जो मुद्दे हैं और लोगों के प्रति उसको जागरूक करना है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना आवश्यक है इसलिए मनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट है पंद्रह जुलाई इम्पोर्टेंट विश्व युवा कौशल दिवस पूरा जो विश्व है किस पे टिका हुआ है युवाओं के कौशल पे टिका हुआ है तो 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस और यूएनओ की महासभा ने 2014 में डिसाइड किया कि विश्व युवा दिवस मनाया जाएगा ठीक है तो 15 में पहली बार मनाया गया तो ये हो गए चार इम्पोर्टेंट एक जुलाई चार जुलाई ग्यारह जुलाई और पंद्रह जुलाई ठीक है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा खूब सारा पढ़िए और इसको भी देखते रहिए इम्पॉर्टेंट है और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने आने वाले एग्जाम के लिए तैयार